हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है सत्तू पराठा। कम समय में बनने वाली है ये पराठा, बहुत ही मज़ेदार और स्वादिष्ट रेसिपी है। चलिए शुरू करें। ये 250 ग्राम सत्तू है और ये कुछ मसाले हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये जीरा पाउडर है, ये काली मिर्च पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, ये अजवाइन है और ये कलौंजी। ये बारीक कटा हुआ हरी मिर्च है, ये भी बारीक कटा हुआ धनिया है और ये दो छोटे साइज का प्याज है जिसे मैंने पतले बारीक काट लिए हैं। सारे मसाले सत्तू में मिला देंगे। ये हम नींबू नींबू का रस डालेंगे, हरे मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा अचार का मसाला डालेंगे। ये नमक डालेंगे। आप अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मेरे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने पहले से ही आटा गूंद कर रख ली थी, ये एकदम रेडी है। चलिए लोई बना लेते हैं। सारे आटे को मैंने लोई बना ली है। अब इसमें मसाला भरेंगे। इसमें हम मसाले को भरेंगे बिल्कुल इस तरीके से। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होता है, आप एक बार जरूर ट्राई करें। बिल्कुल ऐसे इसी तरीके से हम सारे लोई को भर लेंगे। सब में सत्तू भर दिए हैं। अब इसे पकाएंगे। इसे हम रोलिंग पिन पे इसको हाथ से धीरे धीरे दबा देंगे। थोड़ा सा रोलिंग पिन से इसको दबा लेंगे। हम इसे एक एक करके तवा पर सेक लेंगे। एकदम हल्का हल्का सेक लगाएंगे ताकि अच्छे से तेल में इसको हम पूरी को फ्राई कर सकें। देखिए बिल्कुल इस तरीके से अब हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह एक एक करके सबको हम सेक लेंगे। और हमारे सारे पूरी सिक गए हैं दोनों तरफ से। देखिए थोड़ा कच्चापन है, हम तेल में इसे फ्राई करेंगे पराठा को, तो जो कच्चापन है वो तेल में पक जाएगा। चलिए तेल में इसको छानते हैं। तेल हमारे अच्छे से गर्म हो गया है, इसको चेक कर लेते हैं। गरम हो गया है, अब इसमें एक एक कर करके हम पूरी को डाल देंगे। ये सुबह नाश्ते के लिए बहुत ही बढ़िया नाश्ता का रेसिपी है। देखिए दोनों तरफ से इसी तरह हम पका लेंगे तेल में।
इसे एक एक करके हम निकाल लेंगे। फिर इस तरह से हमारा सत्तू पराठा दिख रहा है, कितना अच्छा से मेरा पराठा फूल रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। अब हमारा सत्तू पराठा बनकर रेडी है, देखिए दोनों तरफ से कितना अच्छा दिख रहा है। आप इसे जरूर एक बार ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप इसे हरा धनिया और सॉस के साथ ले सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।